वैशाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का। और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है, तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप हट जाता। वैशाख महीना मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक वैशाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब वैशाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंद कैश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ पर अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंद कैश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंद कैश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ, जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई, रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। सुख क्या है? तो क्या कहा महाराज जी? भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती, 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल,
एक पीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्विक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बे बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए, केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया, भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो, मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसको केवल वैरागी त्यागी जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कर रही। पर शंकर कह रहे माँ उमा से, माँ पार्वती से मेरा महेश कह रहा, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक पीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्विक यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। जैसे इससे पहले जो एकादशी कही, जिसको त्रिविधि एकादशी भी कहते हैं, एकादशी पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको 1000 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता, फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने 1000 कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। उसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेल पत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहा है, तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना, बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखा कर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता, वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता।
आप लोग को अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबाइएगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते भैया।